हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो आयल सम्प में ड्रेन बोल्ट लगा होता है तो वहाँ से अगर लुब आयल लीकेज करता है, क्योंकि उस बोल्ट में जो है कॉपर वाशर लगा रहता है, इसलिए जो है उसको वहाँ से जब लुब आयल लीकेज करता है तो उसको हम कैसे रोकते हैं। तो ये देखिए, ये हम जनरल आइटम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे साइड पर जो है इसी तरह किया जाता है। पहले इस बोल्ट को हल्का सा लूज करते हैं, क्योंकि पूरा निकालने पर लुब आयल गिरने की चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इसको केवल पहले हम इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हल्का सा इसको हम बोल्ट को केवल लूज करते हैं। लूज करने के बाद जो है हल्का सा ढीला कर लेते हैं, ताकि लुब आयल अधिक गिरना नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो है इसमें हम टेफ्लॉन टेप जो है लगा देते हैं, और टेफ्लॉन टेप जो है मोटा लगाते हैं, ताकि मैक्सिमम जो इसकी जो चूड़ी हो चूड़ी के पास ही जो है, और लास्ट में जो है जो हमारा कॉपर वाशर जो लगा रहता है उसी के ऊपर जो है इसको हम पूरा लगा देते हैं और मोटा लगाते हैं। और मोटा लगाने के बाद जो है देखिए, इस तरह से जो है बोल्ट के नीचे जो है हम पहले ये टेफ्लॉन टेप को हम लगा देते हैं। इसके बाद जो है धीरे धीरे इसको जो है हम इसको फुल टाइट कर देते हैं। जब फुल टाइट कर देते हैं और उसके बाद इंजन को जब चलाया जाता है, तो यहाँ से लुब आयल लीकेज के चांसेस जो है ना के बराबर हो जाता है। तो इसलिए जो है साइड पर कभी कभी इस तरह से हमको जो है लुब आयल लीकेज जो है ड्रेन बोल्ट से रोकना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर करें।